असलम एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई होप यू आर आर डूंग वेल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लाइफ विद लैला सो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेक योर डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का हैंडल आपको ऊपर नजर आ रहा होगा लैला अली वन फिफ्टी फाइव तो जल्दी से इंस्टा पे फॉलो करें अगर आप मेरी सारे दिन की रूटीन मजीद देखना चाहते हैं तो सो so, यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने नाश्ते से और नाश्ते में मैं खा रही थी भिंडी गोश्त क्योंकि रात को खाने में अम्मी ने भिंडी गोश्त बनाया था तो अम्मी ने मुझे सुबह बना के दे दी तो मैंने खा ली और आपको पता है नाश्ता जो है वो ग्यारह बारह बजे होता है क्योंकि जो वेले लोग होते हैं घरों में रहते हैं उनका नाश्ता इतने बजे ही होता है और जब पहले जॉब के लिए जाया करते थे तो फिर तो ये होता था कि सुबह सुबह साढ़े सात बजे नाश्ता जो है वो हो जाया करता था लेकिन अब तो इतनी आदत वो रूटीन खराब हो गई है ना कि एक दो बजे से पहले खाने को दिल नहीं करता और बहुत भी जल्दी खा ले तो ग्यारह बारह तो बस ये तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे का टाइम था और मैंने नाश्ता कर लिया और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि दोपहर का खाना बनाना था और दोपहर के खाने में आज मैं बना रही थी मूंग मसूर की दाल जो धुली हुई दाल होती है ना एक तो छिलको वाली होती है ये धुली वाली दाल धुली हुई दाल है सॉरी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि जिस रेसिपी के साथ मैं बनाती हूँ ना बहुत ही मज़े की बनती है तो मैंने मूंग मसूर की दाल जो है वो बराबर बराबर ले ली थी और उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसको मैंने बॉयल कर बॉयल करने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने डाल दिया था हल्दी और हल्का सा नमक और नॉर्मल सा पानी डाला मैंने बहुत ज़्यादा कोई इतना पानी नहीं डाल दिया कि बाद में वो पूरा शोरबा ही बन जाए उसका बस हमने इतना डालना है कि उसमें दाल जो हमारी अच्छे से गल जाए तो वो मैंने बॉयलो नहीं रख दी थी और दूसरी तरफ मैंने बर्तन में डाल दिया जी साबत जीरा और उसमें दो चार काली मिर्ची डाल दी थी और उसके अंदर मैंने अब डाल दिया कटा हुआ प्याज और टमाटर और फिर अच्छे से इसको मैं इसमें सोते कर लूँगी और रेसिपी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर देती होती हूँ क्योंकि हर घर में खाना बनाने का तरीका लैदा होता है चीज़ें सेम होती हैं लेकिन बहुत सारे लोग मे भी में इसी तरह भी बनाते होंगे लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्योंकि मैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये डिफरेंट स्टाइल मैं बनाती हूँ तो मैंने इसलिए आपके साथ आज की ये पूरी रेसिपी शेयर करूंगी अक्सर क्या होता है कि लोग इस तरह की मसूर की या चने की दाल बनाते हैं सारी चीज़ें जिस तरह से साबत मसर बनाते हैं ना उसी तरह से ये दालें साई बना देते हैं मतलब हर चीज़ उसमें डाल के ऊपर बने रख देते हैं लास्ट पर तड़का लगा लेते हैं तो मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ अगर हम लोगों ने रोटी के साथ खानी हो तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ बहुत ही मज़े की बनती है अदरवाइज दूसरे तरीके से भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ अच्छा यहाँ पर सारा मैंने मसाला फ्राई कर लिया अच्छा मैंने पहले प्याज और टमाटर डालते बाद में लसन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाल दी थी और उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे स्पाइसेस आपको पता है नॉर्मल जो घरों में जाता है लाल मिर्च का पाउडर नमक हल्दी वही चीज़ ऐड की है हल्दी थोड़ी सी मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दी थी थोड़ी मैंने पहले दाल में भी ऐड किया है और थोड़ी सी यहाँ पर भी ऐड कर दी है हल्दी वैसे बहुत अच्छी होती है आपकी सेहत के लिए तो मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ सो so, यहाँ पर जी अब मसाला जो मेरा भून चुका है और दाल मेरी अच्छी से गल गई है और अब सारी दाल को ना मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और ट्रांसफ़र करूंगी इस तरह से आपने जैसे कि देख लिया कि सारी की सारी दाल में आप बहुत अच्छे से गली हुई है इसमें आपको इसको पकाने की जरूरत नहीं हमें बस मैंने इस मसाले में डाली है और इसको पाँच चार मिनट मैं इसी तरह मिक्स करूँगी अच्छे से ताकि सारे मसाले में अच्छे से ये हल हो जाए और सारे जो और सारे अरोमा ना वो अच्छे से सारे इसमें आ जाएँ दाल में तो अब मैंने क्या करना है अब मैंने इसका तड़का लगाना है और तड़का मैं किस तरह से लगाती हूँ मैं आपको बता बता देती हूँ तड़का मैं लगाऊंगी यहाँ पे लहसन का और साबत गोल लाल मिर्च होती है ना उसका लगाऊंगी और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी तो ये तड़का बहुत मज़े का लगता है खासकर जो है ना हम लोगों ने स्टार्टिंग से मतलब जब मूँग मसूर की दाल बनती है ना तो हम लोग इसमें लहसन का तड़का लगाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है सो अब यहाँ पर जब थोड़ा सा गोल्डन हो जाए जा लहसन है तो उसको हम बस इस तरह से अब डाल देंगे दाल में और इतनी मज़े की दाल बनी थी ना बहुत ही मज़े की बनी थी और हम लोगों ने दोपहर में तो फिर रोटी के साथ ही खाई थी क्योंकि मैंने गाड़ी गाढ़ी बनाई थी उसके ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला कर थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाल दिया था कटी हुई हरी मिर्ची और अदरक मैंने डाल के इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स और इसके बाद फिर मैं जी आ, ये खाना छाना बना के मैं थक गई थी और फिर मुझे पता नहीं चला मैं सो गई अच्छा पता नहीं क्या बात है शायद गर्मी है मौसम ऐसा है कि सुस्ती उतरती नहीं है और सारा सारी रात सोने के बावजूद सुबह दस ग्यारह बजे भी उठे ना तभी ऐसे ना सर में चक्कर आ रहे होते हैं और समझ से बाहर है कि इतनी सुस्ती कहाँ से आ गई है और इसी वजह से मैं दो दिन दो तीन दिन से अगेन मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी कुछ तो मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी इसी वो मैं आपको बता रही हूँ कुछ चक्कर आ रहे थोड़ी इस तरह से और कुछ जो है ना वो सुस्ती भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और अच्छा मैंने मेरे खाना छाना बना के तो मैं तो गई थी सो और उसके बाद जब मैं रात को उठी ना तो मैंने दाल को थोड़ा सा पतला कर दिया था और साथ में उसमें अम्मी ने ना वाइट चावल बना लिए थे अब मैं वही खाऊंगी और दोपहर में तो मैंने खाना खाया नहीं था वैसे दाल मैंने थोड़ी सी चखी थी बहुत मजे की बनी थी और साथ में हरे पुदीने की चटनियों मैंने ताज़ी ताज़ी बनाई थी तो वो ले लूँगी और आपको पता है कि वाइट चावल दाल और साथ में पुदीने की चटनी हो तो मज़ा ही आ जाता है और बस यहाँ पे अपना जो है खाना इंजॉय करूँगी और ये सारा खाना इंजॉय करने के बाद रात को इसके बाद भी मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की थी ना इससे पहले मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड की थी पता नहीं आज क्या हो गया था इतने दिन बाद मैं व्लॉग बना रही थी फिर भी मेरा कुछ भी ना मोबाइल उठाने को दिल ही नहीं करा था तो जी नेक्स्ट डे का ब्लॉग है रात को खाना खाने के बाद फिर से मैं सो गई थी और मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की और सुबह भी मैंने कोई चीज रिकॉर्ड नहीं की नाश्ता वगैरह कर लिया उसके बाद मैं हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग खाला की तरफ चलते हैं तो फिर मैंने सोचा वहीं पर जाके मैंने जब ना मुझे याद है कि सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ बस खाला की तरफ आए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से गए नहीं थे और कुछ घर पर रह रहा था ना दिमाग जो है बिल्कुल मॉफ हो गए थे और कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने को तो मैंने सोचा कि बाहर का एक चक्कर लगाते हैं तो हो सकता है कि हमारा कोई दिमाग भी जो है ना वो भी एक्टिव हो जाए ताकि हम लोग जो है ना यूट्यूब पे भी एक्टिव हो जाए ताकि मैं आपके साथ ज़्यादा ज़्यादा जो है ना व्लॉग भी शेयर कर सकूँ तो बस हम लोग वहाँ पर गए थे अभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए तो खाला लोग खाना बना रहे थे और मैंने सोचा मैं आपको ज़रा खाला के घर का विजिट करवा दूँ अभी ये बाहर का एरिया सारा यहाँ पे माशाला से बहुत अच्छे उन्होंने ना पौधे शौदे लगा के रखे और साथ में जी ये आप इससे मेरे ये है हमारी प्यारी क्यूटी सी डेजी और ये बहुत माशाला से शरारती है और इसके साथ ना खेलने में बहुत मज़ा आता है और आपको टाइम का पता ही नहीं चलता और आपको जैसे कि मैंने बताया हम लोगों ने तो घर में पैट रखना छोड़ दी और क्यों छोड़ें वो भी मैंने आपको बता दिए थे लेकिन खाला लोगों ने अभी भी काफ़ी सारे रखे हैं उनके घर पर तोते भी हैं और ये तितर बटेर और इस तरह की चीज़ें साथ में ये मुर्गियाँ हैं मुर्गे हैं जो कि वो सील वाले मुर्गे होते हैं ना जिनकी वो मतलब लड़ाइयाँ छढ़ाइयाँ भी कराते हैं तो उस तरह के उस टाइप के भी हैं और साथ में खाला के घर पर ये लगा लगावे जी औरज का दरख्त यहाँ पर संतरे अच्छा दो लगे हुए एक के ऊपर माल्टे लगते हैं और एक के ऊपर संतरे लगते हैं मुझे नहीं पता था ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं अब ये ख़ाला के घर जब लगे थे ना दोनों पौधे तब हमें जाकर अंदाज़ा हुआ अच्छा संतरे और माल्टा दोनों अलग अलग है तो ये अभी तो आपको पता सीजन नहीं है तो अभी कच्चे हैं और साथ में लीमू का भी छोटा सा पौधा लगाया हुआ है लीमू भी बड़े अच्छे इस पर लगते हैं अच्छे खासे लगते हैं जब सीज़न होता है ना और कुछ यहाँ पे देखिए जी येलो शेलो भी हो गए हुए हैं अच्छी ना मतलब इस तरह की आपके घर पे चीज़ें हो ना ग्रीनरी तो बहुत अच्छी लगती है अच्छा ये खाला ने ना तंदूरी भी ला के रखी हुई है रखी हुई है पहले हमारे घर पर भी होती थी लेकिन काफ़ी टाइम हो गया हमारे घर पर तो नहीं अभी खाला ने लेकिन ना दोबारा ला के रखी है और यहाँ पर हमज़ा और मेरे कज़न जो है ना वो डैजी के साथ लगे हुए थे मस्ती करने और डेजी को पूरा गुस्सा आया था वो तंग आके ना हमसे तंग आ गई थी इतना तंग आ गई थी वो दरख के ऊपर चढ़ गई और हम इसको मुसलसल नीचे उतारने की कोशिश करे थे लेकिन वो जी नीचे नहीं आने वाली थी और ये देखें उसकी हरकतें चेक करें आप ऊपर जाकर नखरे करी थी फिर हम लोगों ने इसको इसी तरह छोड़ दिया कि तुम नखरे कर लो तो बाद में फिर हम तुम्हें मिलेंगे लेकिन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब ना ग्रीनरी घर पर हो और इस तरह का थोड़ा बहुत ना हो तो बहुत अच्छा मतलब आप ना माइंड फ्रेश हो जाता है अगर आप सारे दिन अंदर घुस के बैठे रहें कमरों में और बाहर निकले कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए तो जी अच्छा हो जाता है तो जी ये जर्दा बना है मेरी कज़न ने जर्दा बनाया था उसका दिल कर रहा था मीठा खाने को तो मेरा भी घर पे वैसे दिल कर रहा था कि मैं बनाऊं लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना अभी ताज़ा ताज़ा वो बना रही थी तो बहुत ही मज़े का बना था साथ में आलू चने बने थे और साथ में पुलाव बनाया था और हम लोगों ने मना किया था फिर भी लोगों ने ना मतलब फटाफट से बना लिया खाना क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा था तो बस हम लोग यहाँ पर अब खाना इंजॉय करेंगे खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे अपनी कज़न की तरफ खाला जिस खाला के घर गए थे न उन्हीं की बेटी है बिल्कुल साथ ही उनका घर है तो हम लोग वहाँ पे आ गए थे क्योंकि मेरा चाय पीने को दिल कर रहा था तो खाला गए थे अभी बना लेते हैं लेकिन मैंने कहा नहीं उधर चलते हैं साथ में कज़न के घर चले जाते हैं उनको मिल भी लेते हैं और साथ में चाय शाय भी पी लेंगे तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ इनके भी घर पर ना माशाला से काफ़ी सारी ग्रीनरी है और हम लोग बस टेरस पर बैठ के लगे हुए थे सारे गप करने और कज़न जो मेरी वो चाय बनाने लगी थी तो अभी मैं आपको उनके अंदर भी विज़िट करवा देती हूँ और बस यहाँ पर जी चाय जो वो बन रही है और फिर हम लोग चाय पियेंगे और आपको पता है कि सुबह मैंने आपके साथ सारा ब्लॉग शेयर कर दिया आपको कहीं चाय नज़र नहीं आ रही होगी तो बस मैंने सुबह से बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी और आपको पता है कि ये ना वो नशे वाली बात है मैं सारा दिन में अगर एक दफ़ा भी चाय ना ना पीऊँ तो फिर बहुत बुरा हाल होता है तो बस यहाँ पर अब चाय शाय बना रही थी मेरी कज़न और फिर हम लोग बाहर आ गए थे वापस बालकनी में और यहाँ पर गपशप लगाए थे सारे हंसी मजाक कर रहे थे और फिर जी चाय भी अब मैं इंजॉय करूँगी यहाँ पर तो बस जी ये था आज का हमारा व्लॉग आई होप सो हो कि आपको अच्छा लगा होगा मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा मिलते हैं नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए अला हाफिज